नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज लखनऊ कानपुर को बड़ी सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि दोनों जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा यहां के लोगों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी सीएम योगी दिखाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ये बसें चलाई जाएंगी। यूपी 8 तीर्थों और 11 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर यूपी में बसें चलेंगी। यूपी परिवहन विभाग ने संस्कृति विभाग को भेजी है नामों की सूची। सूची में मेरठ से लेकर बलिया तक के वीरों के नाम शामिल हैं। मथुरा से लेकर मिर्जापुर तक के प्रमुख तीर्थों के भी नाम शामिल हैं जहां पर ये बसें चलेंगी। तो बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो आपको बता दें कि बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। इलेक्ट्रॉनिक बसें अब चलेंगी प्रदेश में, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। हरी झंडी सीएम ने दिखा दी है बसों को। आज लखनऊ कानपुर को बड़ी सौगात मिली है। तमाम तीर्थों पर, धार्मिक स्थलों पर ये बसें जाएंगी, जिससे कि खास तौर से कह लें कि श्रद्धालु जो कि तीर्थ स्थलों पर पहुँचते हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को हरी झंडी दिखा दी है। बड़ा तोहफा ये लखनऊ और कानपुर की जनता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन, इससे कई तरह की सुविधाएं होंगी। पर्यावरण को भी काफ़ी फायदा इलेक्ट्रॉनिक बसों से मिलेगा। पोल्यूशन अब कम होगा, वहीं जनता को भी बहुत लाभ मिलेगा। कई बिंदुओं पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है हरी झंडी दिखाकर। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लखनऊ और कानपुर को बड़ी सौगात मिली है। सूची में मेरठ से बलिया तक के वीरों का नाम शामिल है और आपको बता दें कि मथुरा से लेकर के मिर्जापुर तक के प्रमुख जो तीर्थ हैं वहां पर ये बसें संचालित की जाएंगी। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि कानपुर और लखनऊ में ये बसें चलेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को लेकर आज इनका उद्घाटन किया है, इनको जनता को समर्पित किया है। नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध वसूली करने वाला फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है। खाकी का रौब दिखाकर करता था अवैध वसूली। दो नकली आईडी कार्ड और आधार कार्ड बरामद उसके पास से हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस, वर्दी सहित 9000 रुपए भी उसके पास से बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। नायलगंज थाना क्षेत्र का ये दरोगा रहने वाला बताया जा रहा है, फर्जी दरोगा, और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खाकी का रौब दिखाकर ये अवैध वसूली करता था। ऐसे कई और मामले भी सामने आते रहते हैं जहां पर लोग खाकी का रौब दिखाकर फर्जी दरोगा बनकर लोगों को डराने का काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं। हालांकि इस पर पुलिस का शिकंजा कस गया है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये फर्जी दरोगा पुलिस की गिरफ्त में है। मुखबिर ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की और फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। आपको बता दें कि नायलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला ये दरोगा बताया जा रहा है, कई लोगों को ये परेशान कर चुका है। अवैध वसूली करता था, ये लोगों को परेशान करता था, लोगों से वसूली करता था। इस पूरे मामले की जानकारी मुखबिर के द्वारा पुलिस को हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और गिरफ्तार इसको कर लिया गया है। दो नकली आईडी कार्ड और आधार कार्ड इसके पास से पुलिस ने बरामद किए हैं और ये फर्जी दरोगा लोगों को वर्दी का रौब दिखाकर डराता धमकाता था। तिवारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। परसा गोड़ी थाना कर्नलगंज का रहने वाला है। ये एक फर्जी दरोगा बनके इनके द्वारा कुछ ऐसी अवैध गतिविधियाँ की जा रही थी, उनके उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली, जिसमें फर्जी दरोगा बनके कई जगह लोगों को धौंस दी है, लोगों से वसूली की है। और पहले भी ये जनपद बलरामपुर में रेहरा बाजार से फर्जी दरोगा के रूप में इसको गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज इसको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 170, 71, 420, 467, 71 IPC का जो अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पिछले दिनों हुए हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी दूसरे दिन बांके बिहारी मंदिर पहुंची और पूर्व डीजीपी ने डीएम नवनीत सिंह चहल, इसके अलावा एसएसपी अभिषेक यादव और तमाम जो टीम है और अन्य अधिकारी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं। उन्होंने निरीक्षण किया है मंदिर का और उन्होंने मंदिर के सेवायत गोस्वामियों को से घटना के बारे में जानकारी हासिल की है, उनके सुझाव भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य अलीगढ़ मंडलायुक्त के आने पर जांच प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। साथ ही उन्होंने लोगों से 25 और 26 अगस्त की सुबह 10 बजे से 4 बजे तक पर्यटक सुविधा केंद्र में उपस्थित होकर लिखित में सुझाव देने का आह्वान भी किया है। मंदिर के सेवादारों से जानकारी ली है, घटना को लेकर आमजन को भी सुझाव देने की अपील की है। पूरी टीम जो यहाँ पर पहुंची हुई थी, पर्यटक केंद्र में लिखित में सुझाव देने की अपील की गई थी। जांच में एक तो घटना का कारण और उसकी व्यवस्था की जवाबदेही, और तीसरा ये है कि इस तरह की घटनाएं न हों उसके लिए क्या सुझाव, क्या उपाय किए जाएं, ये तीन बिंदुओं पे हम लोगों को रिपोर्ट देनी है। मैं कोई दिशा निर्देश हमारा समिति नहीं दे सकती है, हम रिपोर्ट सरकार को देंगे, सरकार इसमें जो निर्धारित देंगे। दो दिन से अभी कमिश्नर साहब नहीं आए हैं, वो आज शाम तक आ जाएंगे, तो कल से हम लोग इसको एक औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। दो दिन तो मैंने, कल तो मैं बिल्कुल ऐसे चुपके से आया था, आज थोड़ा सा अधिकारी लोग थे तो पता लग गया। मैं इसको एक तरह से सिविलियन के रूप में देख लेना चाहता। सोनभद्र के अनपारा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हर घर नल योजना के इस्तेमाल होने वाली पाइपों के साथ तीन गिरफ्तारी की गई है, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पानी की बड़ी जो 97 पाइप हैं उनको भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। पुलिस ने 29 टन वजन की कुल 12 लाख रुपए की पाइप भी इनके पास से बरामद की है। चोरों के पास से एक डीसीएम, एक ट्रैक्टर, एक बुलेरो और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सोनभद्र का ये पूरा मामला है। अनपरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, नल योजना के पाइपों के साथ तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरामद की है पानी की पाइपें, 97 पाइपें पुलिस ने बरामद की हैं। गिरफ्तारी की गई है, इसमें एक संगठित गिरोह है जो जनपद में हर घर नल प्रोजेक्ट के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है एलएनटी कंपनी द्वारा, उसके पाइप्स को चोरी करके और उसके फर्जी दस्तावेज बना के ई वे बिल फर्जी तरीके से जनरेट करा के और उसको कानपुर के जो कबाड़ी चिन्हित हुए हैं, दो कबाड़ी चिन्हित हुए हैं, बड़े कबाड़ी हैं वहाँ के, उनको ये चोरी का माल जनपद से चोरी करके वहाँ पर बेचते थे। इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो बनारस की है एक कंपनी, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारे जनपद सोनभद्र की है, उनकी तरफ से भी ट्रक मुहैया कराया जाता था और ये चोरी का माल वहाँ पर। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार समेत दिल्ली हरियाणा के 25 ठिकानों पर सीबीआई की, आपको बता दें कि छापेमारी हुई है और इससे पहले सीबीआई आरजेडी के चार बड़े नेताओं के घर पर पहुंची थी। और इस बीच खबर ये भी है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संपत्तियों की जांच के लिए उनसे जुड़े ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई की टीम ने आरजेडी के कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह और इसके अलावा पूर्व एमएलसी सुबोध रॉय, राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई रेड के दौरान आरजेडी नेताओं के घर पर सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया था। आरजेडी के इन चारों ही नेताओं को पार्टी के फंड रेजर के तौर पर भी जाना जाता है और इन सभी के घर पर छापेमारी की गई है। बिहार में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आरजेडी के कोषाध्यक्ष जो हैं सुनील सिंह, उनके घर पर छापेमारी हुई है। लालू के करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह, तेजस्वी यादव के भी ये भरोसेमंद माने जाते हैं। आरजेडी राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर भी छापा पड़ा है। सांसद अशफाक करीम के घर पर सीबीआई का छापा और सांसद सैयद फयाज अहमद के भी यहां पर छापा हुआ है।
फयाज अहमद जो हैं उनके मधुबनी के जो घर हैं वहां पर, मधुबनी के घर पर उनके छापा पड़ा है। और आपको बता दें कि बिस्पी सीट से विधायक रह चुके फयाज अहमद, इनके घर पर छापा पड़ा है। लगातार छापेमारी ताबड़तोड़ बिहार में देखने को मिली है। मेडिकल कॉलेज भी फयाज अहमद चलाते हैं। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध रॉय के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लालू के करीबी माने जाते हैं, लालू परिवार से इनका खास संबंध माना जाता है और सुबोध रॉय को आरजेडी का जोड़ तोड़ वाला नेता माना जाता है। मतलब ये जितने भी नेता हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी हुई है, कह सकते हैं कि इनका बड़ा रोल पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। इन सभी के यहाँ पर छापेमारी की गई है और सभी कोई आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का करीबी है तो कोई उप मुख्यमंत्री का करीबी है। इन सभी को निशाने पर लिया गया है। सभी के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। कल ताबड़तोड़ रेड की खबरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से बिहार में छापेमारी की कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। सीआईबी आपको बता दें कि वो भी पीछे नहीं नजर आई। आपको नहीं लगता अब आज ही मत सबका जवाब अंदर दिया जाए, रखिए अभी तो उन्हीं लोगों का चलाइए ना, चलवाइए पूरा, क्या आपका भी मौका आएगा अभी भाई? सौ से बाहर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी है हम लोग के साथ है, बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के लिए, सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी, हमारा बिहार के जनता सब हमारा पलवार है, बिहार के जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार के जनता। सीबीआई छापामारी कर रही है, जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, जो 13 करोड़ जनता को लूटा है, जो जमीन के बदले नौकरी पैसा लेकर के ऊंचे सदन में भेजते हैं उनको। हरिद्वार देहरादून पौड़ी जिलों में लंपी संक्रमण का जो लगातार खतरा है उसको लेकर टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त वैक्सीन की मांग इसको लेकर की है क्योंकि लगातार खतरा जो है लंपी वायरस का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि संक्रमण से बचाया जा सके और केंद्र सरकार ने इसको लेकर वैक्सीन की मांग की है। अतिरिक्त केंद्र सरकार से मांग की गई है वैक्सीन को लेकर। देहरादून हरिद्वार पौड़ी इन जिलों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और संक्रमण से बचाने के लिए जानवरों को इस तरह का अभियान जो है चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान संक्रमण से बचाने के लिए लगातार अभियान को चलाया जा रहा है, तेजी इसमें लाई जा रही है और वैक्सीनेशन का काम जो है किया जा रहा है, टीकाकरण अभियान किया जा रहा है और केंद्र सरकार से इसको लेकर मांग भी की गई है अतिरिक्त वैक्सीन की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण अभियान को तेज़ी दी जा सके। इस वजह से इस अभियान को तेज़ी से चलाया जा रहा है और जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी वैसे वैसे इस संक्रमण से भी निजात मिलता जाएगा, इसलिए इस अभियान को तेज़ी से चलाया जा रहा है। खासतौर से हरिद्वार देहरादून और पौड़ी में संक्रमण के मामले जो हैं देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और वैक्सीनेशन अभियान जो है उसको तेज़ी से चलाया जा रहा है। संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगातार तेज़ी से किया जा रहा है और वैक्सीन की मांग भी, अतिरिक्त वैक्सीन की मांग भी की गई है ताकि ज़्यादा वैक्सीन होगी तो अभियान को और तेज़ी से चलाया जाएगा और जल्द से जल्द लंपी वायरस के संक्रमण से मुक्ति मिल पाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वैक्सीन की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि देहरादून के खास तौर से बात करें, 3 जिलों में इस संक्रमण के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, 3 जिलों में ज़्यादा संक्रमण फैल रहा था जिसमें हरिद्वार पौड़ी और देहरादून शामिल है और यहाँ पर टीकाकरण अभियान को तेजी से चलाया गया। लगातार अभियान अभी भी चल रहा है और संक्रमण से मुक्ति की कोशिश की जा रही है।
बिहार में महागठबंधन सरकार की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिहार विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में बीजेपी सरकार नहीं होती है वहां विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे राज्य में जांच की जाए, ऐसे राज्य में जहां पर विपक्ष सत्ता में हो या जहां पर बीजेपी डरी हुई हो वहां पर अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं। और तीन जमाई का क्या है उसके बारे में उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और आईटी विभाग, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ है। ये तीखा हमला बोला गया है बिहार में। बीजेपी जब जब हारती है, जब जब ये इसको डर लगता है तो इन तीनों को आगे करती है। ये बच्चा बच्चा जानता आगे क्या क्या ये लोग करेंगे सबको पता है। जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं। जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा, वो मॉल का क्या नाम है, अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेकर आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है, अच्छी बात है। ये इनिंग जो होगी ना, नेवर एंडिंग इनिंग खेला जाएगा, सबसे ऐतिहासिक, मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग हम लोग का पार्टनरशिप जो होगा बिहार के हित में, देश के हित में, ये लंबा होगा इनिंग। अब कोई रन आउट होने वाला नहीं, एक बात समझ जाइए आप लोग, एक बात समझ जाइए, जो बिहार का लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, भाजपा के कदमों पे कुचलने नहीं देंगे, इसको बचाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़े बेटे उमर की गिरफ्तारी के अगले दिन फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रयागराज में अतीक अहमद ने अपनी पत्नी के नाम पर 12 बीघा जमीन अवैध रूप से ले रखी थी। बुधवार को ऐसी तीन जगहों पर जमीनों पर कुर्की कर दी गई जिसकी कीमत 76 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की तीन संपत्तियों को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। कुर्क संपत्तियों पर प्रशासन ने लगाया है अपना नोटिस बोर्ड। प्रयागराज के पीपल गांव, कौशाम्बी के रहीमाबाद और इसके अलावा अकबरपुर में कार्रवाई की गई है। दो संपत्तियां पत्नी और एक खुद अतीक के नाम पर दर्ज थी। योगी सरकार पार्ट टू के अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, योगी सरकार पार्ट टू का जब से गठन हुआ है तब से अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर अपराधियों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर, माफिया, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर इस बार बहुत हिट हुआ है। चुनावों में भी देखा था कि किस तरह से बुलडोजर पर चर्चाएं थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से गैंगस्टर, माफिया और अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ने का काम किया है वो एक मिसाल और राज्यों के लिए भी पेश हुई है। लगातार एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। बिजनौर के रहने वाले बदमाश आदित्य राणा पुलिस की कस्टडी से शाहजहांपुर से फरार हो गया और आदित्य के फरार होने के बाद बिजनौर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जिले के बॉर्डर पर निगाह रखने के साथ साथ 6 टीमों को लगाया गया है। आदित्य राणा पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं जो कि पिछले काफी समय से लखनऊ जेल में बंद था। शाहजहांपुर में हरदोई मोड पर रेड चली ढाबे से आदित्य, आपको बता दें कि राणा उस वक्त फरार हुआ है जब उसे पेशी के लिए 3 पुलिसकर्मी खाना खाने के लिए रुके थे, पेशी के लिए लेके जा रहे थे और इसी दौरान
ढाबे पर पुलिसकर्मी खाना खाने के लिए रुके थे और इस वक्त ये फरार हो गया है। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार इसकी गिरफ्तारी में लगी हुई हैं। गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों को लगाया गया है। शाहजहांपुर से ये कुख्यात बदमाश फरार हुआ है, आदित्य राणा इसका नाम, और बदमाश जो है पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। खाना खाने के लिए एक ढाबे पर पुलिसकर्मी रुके थे, इसको पेशी के लिए लखनऊ से बिजनौर लाया जा रहा था और इसी दौरान ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि अब इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को गठन किया गया है, टीमों को लगातार लगाया गया है इसको पकड़ने के लिए। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, 3 लोगों की हत्या का ये आरोपी है। यहाँ का एक रजिस्टर्ड गैंग है आदित्य गैंग, लूट और हत्या का। ये राणा नगला सिवहारा का रहने वाला है, इसकी लंबा अपराधिक इतिहास है हमारे यहाँ और उसके भाग जाने के बाद हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं उन लोगों की जो इसके खिलाफ मुकदमों में वादी और गवाहान है। और हमारी स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम सभी सक्रिय हैं और हम और शाहजहांपुर की टीमें आपस में तालमेल में आ चुके हैं और यथाशीघ्र हम इसे। संभल के कुड़फतेहगढ़ थाना इलाके के गांव अटवा में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने सुसाइड कर ली है। बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता रेपिस्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी और कार्रवाई ना होने की वजह से वो परेशान थी और इस मामले में उसने सीओ से लेकर डीआईजी तक से कार्रवाई के लिए फरियाद लगाई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई की बजाय उस पर फैसले को बदलने को लेकर दबाव बना रही थी और पीड़िता जो है उसने लगातार इसको लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जा रही थी, जिसके बाद उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। चले आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल की जघन्य हत्या से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी हंगामा मचा था, लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा था। और अब इसी तरह यूपी के मुजफ्फरनगर में भी एक टेलर की जान से मारने की एक टेलर को धमकी दी गई है। लेटर भेजकर आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा है कि बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, नुपुर बहाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा, बचेगा नहीं, भाग सकता है तो भाग। फिलहाल पीड़ित टेलर मास्टर ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दे दी है और सुरक्षा की गुहार भी पीड़ित की तरफ से लगाई गई है। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर का है, जहां पर टेलर को कट्टरपंथियों की धमकी भरा पत्र मिला है। कन्हैया लाल की तरह जान से मारने की धमकी इस टेलर को दी गई है। कहा गया है कि बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, भाग सकता है तो भाग ले। नरेंद्र सैनी है, जिनके द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई है, जिनके द्वारा बताया गया है कि इनको इनकी दुकान में कोई धमकी भरा एक पत्र किसी के द्वारा डाला गया है, जिसके संबंध में पुलिस ने इनकी लिखित तहरीर का जो पंजीकृत किया है और उसमें जो भी संबंधित वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की। लेटर आया है, उसमें एक वाइट कलर का लेटर था, लाल पेन से उसमें लिखा हुआ था, दुकान का नाम लिखा हुआ था और अंदर उसमें एक कागज पे जो किसी कॉपी का कागज था तो उसपे अक्षय लिख के और उसके बाद लिखा हुआ था कि बहुत बड़ा देशभक्त बनता है और उसके बाद में लिखा हुआ था कि नुपुर बहाना होगा और कन्हैया निशाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा। और फिर जो तीसरी तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, कन्हैया कुमार की जिस तरह से हत्या की गई उसी मामले से प्रेरित होकर कह सकते हैं कि ये पत्र जो है लिखा गया है, कहा गया है कि नुपुर बहाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा, टेलर को कट्टरपंथियों की धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि टेलर ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और अपनी जान के लिए सुरक्षा की भी गुहार पुलिस से लगाई गई है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि पिछले दिनों कन्हैया कुमार की हत्या कर दी गई थी, ऐसा ही धमकी भरा पत्र मुजफ्फरनगर में अब एक टेलर को मिला है, जिसके बाद टेलर मास्टर ने जो है पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पत्र लिखकर धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नुपुर बहाना होगा, नुपुर शर्मा का बहाना होगा और कन्हैया की तरह निशाना होगा, ये बात कही गई है और जान से मारने की धमकी भी टेलर को दी गई है, जिसके बाद टेलर जो है काफी डरा हुआ सहमा हुआ है। उसने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपने लिए सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि पत्र में पूरा जो लहजा है धमकी भरा नजर आया है। आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा है बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, नुपुर बहाना होगी, कन्हैया की तरह निशाना होगा, बचेगा नहीं, भाग सकता है तो भाग। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी हालांकि पुलिस को दी गई है,
पुलिस भी मौके पर पहुंची है। टेलर से पूरी जानकारी पुलिस ने ली है। जांच पड़ताल इस मामले की पुलिस के द्वारा की जा रही है। कन्हैया कुमार की भी इसी तरह से हत्या की गई थी और उसके बाद देश में जिस तरह से माहौल देखने को मिला था, काफी ज्यादा लोग आक्रोशित उस समय नजर आ रहे थे। देश के लोग कन्हैया कुमार के समर्थन में थे और अपराध करने वालों के खिलाफ खड़े हो गए थे देश के लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।